हेलो दोस्तों, मैं हूं उमर तस्कीर और आप देख रहे हैं WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे टाइप्स ऑफ लिंक्स के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल लिंक्स के बारे में, देन इनबाउंड लिंक्स के बारे में और आउटबाउंड लिंक्स के बारे में। ये बेसिक SEO के बेसिक टॉपिक्स है, उसके बाद भी आपको जरूरत पड़ती है, कई बार आप इन चीज़ों को मिस कर जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो ये SEO के बेसिक टॉपिक हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, इनबाउंड लिंक्स क्या होते हैं और आउटबाउंड लिंक्स का। चलिए शुरू करते हैं, शुरुआत करेंगे हम लोग इंटरनल लिंक से। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है शुरुआत में। इंटरनल लिंक्स आर द लिंक्स बिटवीन द पेजेस विद इन योर ओन वेबसाइट। सर्च इंजन डिटरमाइन दिस बाय लुकिंग एट द डोमेन नेम। इफ द लिंक्स ऑन अ पेज लिंक टू अनदर पेज विद इन द सेम डोमेन, दे आर कंसिडर्ड एज इंटरनल लिंक। यानी कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आपका कोई डोमेन है और उसमें किसी एक पेज से आप अपनी ही डोमेन के ऊपर, अपनी ही वेबसाइट के ऊपर किसी दूसरे पेज को लिंक करते हो, लिंक देते हो, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज इंटरनल लिंक। अब यहाँ पे इस चीज का एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, जैसे वेबसाइट का नाम मैंने ले लिया example.com और ये मेरी वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर और भी अलग अलग पेजेस है। जैसे ये एक पेज है SEO Dude और यहाँ पर एक पेज है आइस मेल्टर, ठीक है, और यहाँ पर एक पेज है कैट फूड फॉर डॉग्स, राइट। तो ये तीन पेजेस है। आप सपोज करते हैं हम, मैं अगर यहाँ इस आइस मेल्टर वाले पेज से यहाँ पर कंटेंट पे, इस वाले कंटेंट के ऊपर, इस वाले पेज के ऊपर कोई लिंक देता हूँ तो ये कंसिडर्ड होगा हमारा इंटरनल लिंक में। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर लिखी हुई है, फॉर सम रीजन योर वेबसाइट वॉज बिल्ट टू हैव मोर देन वन डोमेन। किसी भी सिचुएशन में अगर हमारी वेबसाइट एक से ज्यादा डोमेन के ऊपर है, इन दैट केस होगा क्या, सर्च इंजन विल व्यू दिस एज एन एक्सटर्नल लिंक। यानी कि जो अगर आपका दो अलग अलग डोमेन्स हैं, दो डोमेन्स के ऊपर अगर आपकी वेबसाइट है और एक डोमेन से आप दूसरे डोमेन के ऊपर लिंक्स दे रहे हैं तो वो इंटरनल लिंक्स नहीं होंगे, वो आपके एक्सटर्नल लिंक्स में काउंट होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनल लिंक्स की डेफिनेशन क्या है। सेम डोमेन में, सेम वेबसाइट में अगर एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक दिए जा रहे हैं, इन दैट केस वो इंटरनल लिंक्स कंसिडर होगा। तो चलिए अब बात करने वाले हैं हम लोग इनबाउंड लिंक्स की। इनबाउंड लिंक्स क्या होते हैं? इनबाउंड लिंक्स आर द लिंक्स दैट कम फ्रॉम अदर वेबसाइट और अ डिफरेंट डोमेन नेम। सपोज करते हैं ये आपकी वेबसाइट है example.com और यहाँ पर एक दूसरी वेबसाइट है wikipedia.com और wikipedia.com के ये सारे अलग अलग पेजेस हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे अलग अलग पेजेस हैं। अब अगर wikipedia.com के किसी भी पेज से आपके किसी भी एक पेज के ऊपर लिंक आता है, ठीक है, लिंक पॉइंट करता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इनबाउंड लिंक। लेकिन ये किसके लिए इनबाउंड लिंक होगा, ये आपकी वेबसाइट के लिए होगा, ठीक है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अगर किसी वेबसाइट की तरफ कोई लिंक आता है, यानी कोई लिंक किसी वेबसाइट को पॉइंट करता है, इन दैट केस वो लिंक उस वेबसाइट के लिए इनबाउंड लिंक होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है कि ये example.com मेरी वेबसाइट है और मेरी वेबसाइट के ऊपर मुझे विकीपीडिया से एक लिंक मिल रहा है, wikipedia.org का एक कोई पेज है, एक कोई पेज है, इस पेज से मुझे लिंक मिल रहा है, तो ये लिंक, अगर ये लिंक ए है तो ये लिंक मेरी वेबसाइट के लिए इनबाउंड लिंक होगा, ठीक है। तो चलिए ये हम लोगों ने देख लिया कि इनबाउंड लिंक क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं। एज द नेम सजेस्ट, आउटबाउंड लिंक्स आर द दोज लिंक्स ऑन योर वेबसाइट दैट लिंक आउट टू वेबसाइट विद अ डिफरेंट डोमेन नेम। अब यहां पर सेम एग्जांपल, example.com मेरी वेबसाइट, ये सारे मेरे वेब पेजेस, ठीक है, मेरी वेबसाइट के पेजेस हैं। यहाँ पर एक दूसरी वेबसाइट है wikipedia.com। अगर मेरी वेबसाइट के किसी भी पेज से किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर लिंक जाता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ आउटबाउंड लिंक फॉर मी और फॉर माई वेबसाइट, राइट। सो एक ही एग्जाम्पल में दोनों ही सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं कि इनबाउंड लिंक्स क्या होते हैं और आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर सपोज करते हैं कि example.com से कोई लिंक जाता है wikipedia.org के ऊपर, example.com से कोई लिंक जा रहा है wikipedia.org के ऊपर, इन दैट केस अगर example.com मेरी वेबसाइट है तो ये लिंक मेरी वेबसाइट के लिए कौन सा लिंक हुआ, ये हुआ आउटबाउंड लिंक, क्योंकि ये बाहर जा रहा है मेरी वेबसाइट से। लेकिन wikipedia.org अगर मेरी वेबसाइट होती तो ये लिंक इस पर्टिकुलर wikipedia.org वेबसाइट के लिए क्या हो जाता है, इनबाउंड लिंक, क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, इसको पॉइंट कर रहा है। यही एक बेसिक डिफरेंस होता है कि इनबाउंड लिंक क्या होता है और आउटबाउंड लिंक क्या होता है। एक और बहुत गलती होती है लोगों को इस बात को समझने में कि इंटरनल लिंक्स में और इनबाउंड लिंक्स में क्या फर्क है। लोग नहीं समझ पाते कि इंटरनल लिंक्स और इनबाउंड लिंक्स दोनों अलग अलग हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, इंटरनल लिंक्स तभी काउंट होंगे जब एक लिंक जो है दूसरे कंटेंट को पॉइंट करता है या दूसरे पेज को पॉइंट करता है, ठीक है,
और वो पेजेस, दोनों पेजेस किसी एक ही पर्टिकुलर डोमेन के अंदर होने चाहिए, देन दे विल बी कंसिडर्ड एज इंटरनल लिंक्स। अब यहाँ पर इनबाउंड लिंक्स में क्या है, इनबाउंड लिंक्स में दूसरे दूसरे डोमेन को पॉइंट करता है, ठीक है, दूसरे डोमेन को पॉइंट करता है, तो ये वाला जिस भी डोमेन को पॉइंट करता है वो लिंक उसके लिए इनबाउंड लिंक कंसिडर होगा। तो ये बेसिक से डिफरेंस होते हैं, बहुत बेसिक सा टॉपिक है, बट कई बार आप ऐसी चीजें मिस कर जाते हैं, इसलिए रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीजों का भी हम लोग डिस्कशन बीच बीच में करते रहेंगे ताकि आपसे बेसिक्स ना मिस होने पाए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आएगा वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को दबा दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अ वेरी गुड बाय।